इंशाल्लाह। कॉपर है भाई, बच्चे ने बोला है कॉपर है। ये है मुन्ना सा बच्चा, प्यारा सा बच्चा है, ये ब्लॉग में आ रहा है, ये भी चेक कर रहा है। देखो भाई इसके अंदर कितनी खूबसूरत और बेहतरीन मोटर लगी हुई है। अब जमाना चेंज हो गया है तो अब ये मोटर अब जाके कंपनी में दोबारा 30 वाट वाले पंखे में कॉपर है भाई। मुस्कुराओ जरा भाई, मुस्कुरा लिया भाई। और आए हैं घर से पंखा लेके, ये देखें बहुत सारे लग रहे हैं। दो पंखे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे? ठीक है। क्यों लाए ये पुराने पंखे देने के लिए भाईजान इलेक्ट्रॉनिक में? एसी डीसी पंखे के लिए आए यार। क्यों भाई एसी डीसी क्यों लगा रहे, एसी को चलाएं? नहीं नहीं, बिल इतने आ रहे हैं यार, बिल की वजह से परेशान है। मैंने फिर वीडियो देखी थी इनकी, तो उस पे देखा इन्होंने जो है पुराने पंखे दे दो और फिर नए पंखे लगा, तो इस वजह से फिर मैंने कह दिया। सही है भाई, ये देखें इनके पंखे भी जो है पर निकाले जा रहे हैं और अंदर जो है। तो अभी बिजली का बिल कितना आता होगा आपका घर के लिए? घर के लिए ले जा रहे हैं? घर के लिए लेके जा रहा हूँ। सिर्फ एक फ्लोर का 15,000 रुपए बिल आया है, सिर्फ एक 15,000 रुपए सिर्फ चलता गया है। एक दो पंखे चलते हैं बस, और इसके अलावा रेगुलर तो कोई नहीं। इस तरीके काम टाइम पे कर ली तो कर ली, उसके अलावा तो कुछ इतना खास नहीं है। यहाँ तक कि फ्रिज वगैरह सब कुछ बंद करके रखते हैं शाम के बाद, हम लोग सिर्फ दिन में चलाते हैं, उसके बावजूद बिलों का ये आलम है। ये कितने साल पुराना होगा? एक तो काफी पुराना है, कम से कम 10-15 साल पुराना है एक थोड़ा। हाँ, उसका वेट देखो, पता है प्योर कॉपर होगा ये। ये देखो ना, इसका वजन देखो खाली। आप पहले वीडियो जो चली भी है यूट्यूब पर, लोग बार मतलब वो देख कर आ रहे थे, तो उस पर हमने 3200 रुपये रेट कोट किए हुए। लेकिन वक्त के साथ साथ जिस जिस तरीके से पंप के रेट बढ़े, एडाप्टर पे रेट बढ़े, बॉडी पे रेट बढ़े, तो हमने भी अपने रेट थोड़े से बढ़ाए, तो उसकी वजह से कस्टमर यहाँ मुतमइन नहीं हो पा रहा था, तो हमने अपनी सेल बंद कर दी थी 4 दिन के लिए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम 3600 पे आके खड़े हो गए 4900 पे। 4 दिन सेल बंद करने के बाद दोबारा मामला जो है कंट्रोल हुए, तो आज दोबारा 3600 रुपये का हो गया ये। तो ये आप अगर एसी डीसी पंखे लगाएंगे तो समझते हैं बिजली के बिल पे फर्क पड़ेगा? हाँ, बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे हिसाब से दुनिया को देख रहे हैं, काफी एक भाई ने लगाया है ना, इसलिए ये 3.7-800 ग्राम जी, लेकिन ये 50 वाट होता है। 50 वाट जी। इसमें भी मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा छोटी सी, कि दुकानदार इसको 30 वाट करके सेल करता है, कि ये 30 वाट का, ये 30 वाट का नहीं होता, ये 50 वाट का होता है। इसको आप बगैर पर के चलाएंगे। अच्छा जी, इसको आप बगैर पर के चलाएंगे और मीटर लगा के कस्टमर को दिखा देते हैं कि ये देखें 30 वाट ले रहे हैं। जब इसके अंदर पर लग जाएंगे तो वो 50 वाट पे आ जाए। बड़ी जबरदस्त बात आपने बताया। अच्छा, बताएं सर्दियों में बिल क्या आता है जब पंखे बंद होते हैं? हाँ, उसमें काफी फर्क होता है। यही बिल 15,000-5,000 में आता है खाली, 10,000 का फर्क आता है। जब भी फ्रिज चल रहा होता है तब भी फ्रिज चल रहा होता है, इस्त्री भी चल रही होती है, वॉशिंग मशीन भी चल रही होती है। सिर्फ पुराने पंखों का, पंखों का है सिर्फ। ये पंखे बहुत वोल्ट लेते हैं, बहुत ज्यादा तबाही है, तबाही है। जी जी, इसका सर्किट बना हुआ था, इसमें डायोड वगैरह लगे हुए थे, यहीं से करंट बना के नीचे। अच्छा, तो ये खराब वराब नहीं होती, आराम से चलती जी? ये जब तक साबुत है ये जब तक चलेगी। बहुत सारे दुकानदार हैं, इसकी गारंटियां भी चलाते हैं कि अगर सपोज ये 8,450 रुपए की आपसे 9,500-10,000 रुपए ले लेंगे, आपको लिख के दे देंगे कि 5 साल की गारंटी है, 10 साल की गारंटी। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये प्लेट जब तक साबुत होती है, जब तक टूटी भी नहीं है, जब तक आप ऐसा नहीं है कि हम आपको जो है बोल दें कि जी अपना पुराना पंखा दें और इतने पैसे हमसे दें और हमारी मर्जी का पंखा लें, ऐसा नहीं है अपने पास, वो एक्स्ट्रा होगा। लेकिन पंप वगैरह हमने अभी तक वही रखा हुआ है जो चला रहे थे, छोटा पंप नहीं लगा रहे। वैसे यहाँ मार्केट में जो है सेल हो रहा है, कस्टमर को गुमराह भी किया जा रहा है कि यार हमारी कॉपर की मोटर है, प्योर दाने में बनी हुई है, दाना वगैरह कोई प्योर नहीं होता, बॉडी सब सेम आती है। अच्छा 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 जी, अपने पास जो काम है वो सच बोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप तो सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बंस रोड पर, और यहाँ पे जो ये रोड जा रहा है ये आरामबाग रोड कहलाता है, और इस तरफ जो रोड है ये है बंस रोड का रोड है। यहाँ से अब अगर आप आएंगे तो ये सामने भाषानी स्वीट है, इस तरफ तो इसके बिल्कुल सामने जो है यहाँ पे है भाईजान इलेक्ट्रॉनिक। इंशाल्लाह अंदर चल के देखते हैं कि इनके पास एसी डीसी फैन होते हैं, सोलर प्लेट्स होती हैं, और 12 वाट से चलने वाले पंखे और बैटरीज वगैरह सारी चीज होती है। मालूमात लेते हैं इनसे, आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंशाल्लाह यहाँ पे हर चीज जो है ओरिजिनल आपको कॉपर में मिलेगी, ये दुकानदार का दावा है। चलिए आइए दुकानदार से बात कर लेते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं।
अच्छा भाई, इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाईजान इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आ चुका हूँ। ये देखें आप, बहुत सारे पंखे पुराने लोग दे के जाते हैं, इनसे नए लेके जाते हैं। बातचीत कर लेते हैं कितने का पंखा पड़ता है और ये कूलर के क्या रेट हैं। सोलर प्लेट्स नज़र नहीं आ रही, वो भी मालूम करते हैं सारी चीज़ें। भाई हमारे साथ जैन भाई मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम जैन भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे? ठीक है, शुक्र। तो जैन भाई ये बताएं कि पुराने पंखे लेकर नए पंखे देते हैं, तो क्या रेट में ये ले रहे हैं? माशाल्लाह नीचे रखे हुए भी हैं काफी तादाद। बस पुराना पंखा जो है आपका, हम वजन के हिसाब से खरीदेंगे। जो कॉपर की मोटर होगी आपकी, कॉपर का पंखा होगा वो 320 रुपए केजी लेंगे। और सिल्वर का पंखा जो है वो आपसे लेंगे हम 220 रुपए केजी। ऐसा नहीं है कि हम आपको जो है बोल दें कि जी अपना पुराना पंखा दें और इतने पैसे हमसे दें और हमारी मर्जी का पंखा लें, ऐसा नहीं है। अपने पास जो आपका पंखा है, पहले आप वो उसका वेट वगैरह कराएं, पहले उस पर कन्फर्म हो जाए। इसके बाद हमारे पास पंखा जो ACDC अवेलेबल है 5,500 रुपए से लेकर इस वक्त 11,500 रुपए तक का। अच्छा, अच्छा जी। तो पंखा आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट करें, जो आपको अच्छा लगता है तो आप वो खरीदें। अच्छा जैन भाई दिखाएं वो पंखा, हेलो के नाम से। हेलो के नाम जी। अच्छा, अभी अभी जी बिल्कुल मैं दिखा देता हूँ आपको। तो अपने पास आता है ये पंखा, अभी तक 16-17 नामों से आ चुका है। अंदाज है, GMC है, हेलो के नाम से है, ST पार्ट है, रख लो, अंदर चीज वही होती है। जी हम अलग अलग नामों से मंगाते हैं, उसकी वजह ये है कि मुख्तलिफ टैक्सेस हैं। अच्छा, और जो किराया वगैरह है उस पर जो है हम अपनी जो बचत करते हैं और उसी बचत के थ्रू आप लोगों के पैसे बचा रहे। अच्छा जैन भाई ये बताएं, वो भी कॉपर होता है अंदर? जी जी, वो पंखा भी कॉपर होगा, 2 साल की उसकी गारंटी होती है। आपको मतलब अच्छा और सस्ता पंखा प्रोवाइड कर रहे हैं। ये नाम की चेंजिंग इसी वजह से कि ये आवाम के जो है जो 500-600 रुपए 800 रुपए जो बचा सकते हैं हम वो बचा सके। जैन भाई मैं भी लेकर गया हूँ एक हफ्ते पहले। जी जी बिल्कुल चलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी दे रहा है। जी मैं आपको पंखा भी दिखा देता हूँ। इसके अलावा जो अभी गर्मियों में जो जरूरियात जिंदगी है, गर्मियों के हवाले से हमारी जिंदगियों में जो हर चीज मतलब फैंस के हवाले से अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह वो अवेलेबल होती है। जैसे ये आप ऊपर देख रहे होंगे, अपने पास ये जाली वाले पंखे भी अवेलेबल होते हैं, बैटरी पर सोलर पर चल जाएंगे। ये कितने का पड़ते हैं जाली वाला? जी ये हमारे पास इस वक्त 1500 रुपए से लेकर 2200 रुपए तक का पंखा है, और उसमें छोटा साइज जो है अपने पास 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का होता है। तो अगर आपके पास छोटी बैटरी है तो आप हमसे छोटा पंखा खरीदें, उसके एम्पेयर कम होते हैं, आपकी बैटरी पे एक लंबा टाइम दे देगा वो। और अगर सपोज आपके पास बड़ी बैटरी है तो आप बड़ी बैटरियों के लिए बड़े जाल वाले पंखे लें तो आपको वो जो है अच्छा बैकअप दे देगा। अच्छा जैन भाई ये जो है मैं देख रहा हूँ कि कुछ अलग क्वालिटी का ही आपने लगा रखा है, ये कितने का कूलर चल रहा है? जी ये रूम कूलर अभी इस वक्त जो है हम चला रहे हैं घास वाला, 3600 रुपए का। और ये होता है ना? जी मैं आपको दिखा देता हूँ दोनों चीजें। 3600 रुपए का घास वाला है और 4600 रुपए का इसमें पैड वाला है। जी घास वाले में उमूमन जो है कंप्लेन हमसे जो है कस्टमर ये कर रहा था कि यार वो स्मेल कर देता है, बदबू आती जी, 2-4-5 दिनों में वो स्मेल करना शुरू कर देता है। तो अभी अपने पास डिमांड इतनी चल रही है और अच्छी डिमांड चल रही है बेटा घास वाला कूलर। अच्छा, तो ये वाला कितने का पड़ेगा? ये वाला 4600 रुपए का विदाउट एडाप्टर। विदाउट एडाप्टर जी, इसकी हमने अभी जो है सेल बंद कर दी थी बिल्कुल, कूलर हमने 4 दिन बेचा ही नहीं है। अच्छा, तो हमने उसकी सेल बंद कर दी थी, वो सिर्फ इसी वजह से कि माफिया सरगर्म है। अच्छा अच्छा जी, कुछ लोगों ने हमारी शॉप पर आके मतलब अजीब गरीब बातें भी की और यहाँ बदतमीजियाँ भी हुई, तो उस वजह से हमने 4 दिन तक इसकी सेल बंद कर दी थी। कि इससे पहले वीडियो में हम घास वाला कूलर जो था वो चला रहे थे 3200 रुपए का। अच्छा अच्छा, 3200 रुपए का चला रहे थे और आज जो है उसकी कीमत, आज से 4-5 दिन पहले उसकी कीमत चली गई थी 4900-5000 रुपए। घास वाला आ गया जी, ये घास वाला आ गया, ये तो बड़ा साइज है, इसमें छोटा साइज भी होते हैं। जी ये बड़ा साइज है, ये 5200 रुपए का है। 5000 जी, इसमें छोटा साइज जो है वो इस वक्त 3600 रुपए का है, जो बढ़ के जो है 4900 पे चला गया, 1500-2000 रुपए इसके बढ़ा दिए थे। अच्छा अच्छा जी, तो इस हमने सेल भी बंद कर दी थी कि एक तो शाफी पंप जो है, पंप इसका लग के आता है इसमें 3-350 रुपए का, ये पंप होता है, ये 3-350 रुपए का होता है। इसमें भी क्वालिटी है जी, इसकी कीमत जो है 3-350 से बढ़ा के 900 रुपए तक ले गए। अच्छा, जी लेकिन हमने क्वालिटी नहीं गिराई थी अपनी। अच्छा, बहुत सारे दुकानदार हैं जो इस वक्त यहाँ सेल कर रहे हैं, उन्होंने पंप छोटा लगाना शुरू कर दिया, वो पंप भी मेरे पास मौजूद है। मतलब आप काम रिलायबल करते हैं ताकि दोबारा कस्टमर आपके पास आए और हर बंदे को बताए कि भाई भाईजान इलेक्ट्रॉनिक पे जाओ,
चीजें मयारी मिलेंगी। थोड़ी सी कीमत में फ्लक्चुएशन इसलिए आई है कि यहाँ पे जो माफिया सरगर्म हो गया उनकी वजह से। जी जी बिल्कुल, लोकल चीजें लगा रहे हैं, छोटी चीजें सस्ती चीजें लगा रहे हैं, पैसे वही ले रहे हैं लोग। ये पंप लगा रहे हैं, ये छोटा सा पंप है, ये आपके पास बहुत मुश्किल मेरा ख्याल है 2-4-5 दिन निकालेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। अच्छा, 5 दिन में बंद हो जाएगा जी, ये काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, हमने अपनी क्वालिटी नहीं गिराई, क्वालिटी सेम रखी और अपने थोड़े से रेट बढ़ा दिए, लेकिन हमारी पहले वीडियो जो चली हुई है यूट्यूब पर लोग बार मतलब वो देख कर आ रहे थे, तो उस पर हमने 3200 रुपये रेट कोट किए हुए, लेकिन वक्त के साथ साथ जिस जिस तरीके से पंप के रेट बढ़े, एडाप्टर पे रेट बढ़े, बॉडी पे रेट बढ़े, तो हमने भी अपने रेट थोड़े से बढ़ाए, तो उसकी वजह से कस्टमर यहाँ मुतमईन नहीं हो पा रहा था, तो हमने अपनी सेल बंद कर दी थी 4 दिन के लिए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम 3600 पे आके खड़े हो गए 4900 पे 4 दिन सेल हाँ बंद करने के बाद दोबारा मामला जो है कंट्रोल हुए, तो आज दोबारा 3600 रुपए का हो गया ये। वही घास वाला? जी, घास वाला 3600 रुपए, और ये दोस्तों और 4600 रुपए का पैड वाला, पैड वाले में स्मेल नहीं देगा आपको ये बस, और मोटर वोटर सब सेम रहेगी जी, मोटर वगैरह सब सेम होती है, सिर्फ पैड और घास में फर्क आया। और आप कह रहे थे एडॉप्टर नहीं देंगे? जी, एडॉप्टर के अलग अलग हैं, 500 वाला अगर लगवाना चाहते हैं, एक 500 रुपए का आता है एडॉप्टर, एक 700 रुपए का आता है। अच्छा, तो जो आप एडॉप्टर लगवाना चाहें वो एक्स्ट्रा होगा, लेकिन पंप वगैरह हमने अभी तक वही रखा हुआ है जो चला रहे थे, छोटा पंप नहीं लगा रहे। वैसे यहाँ मार्केट में जो है सेल हो रहा है, कस्टमर को गुमराह भी किया जा रहा है कि यार हमारी कॉपर की मोटर है, प्योर दाने में बनी हुई है, दाना वगैरह कोई प्योर नहीं होता, बॉडी सब सेम आती है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी अपने पास जो काम है वो सच बोलते हैं, सच बोल के होगा, इसमें बरकत भी होती है। जी, इसमें कोई झूठ नहीं है, जैसा आप ये अपनी बैग पर देख सकते हैं जो रच लगा हुआ है, ये रच ऐसे ही नहीं लगता है। जी, लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बिल्कुल मुतमईन होकर आते हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन करके बेचते हैं। इसके अलावा पंप, कूलर का मोटर और इसके अलावा एडाप्टर सब कुछ चेक करा के देते, सब चेक करा के चला के देंगे आपको। ये जो पंप आप दिखा रहे हो इसकी एहतियात होती है, इसकी एहतियात ये कि इसको पानी में रख के ही चलाएं, पानी के हाँ लोग भर पानी के बगैर इसको यूज कर लेते हैं, तो ये पानी के बगैर 5 मिनट भी चलेगा ना तो ये जल जाएगा या जाम हो जाएगा। भाई सुन ले, पानी के बगैर इसको नहीं चलाना है, पानी मौजूद होना चाहिए आपके टब में। जी बिल्कुल, पानी इसमें मौजूद होगा तो ये बिल्कुल सेट चलेगा, पानी के बगैर चलाएंगे तो ये 4-5 मिनट के अंदर जल जाएगा या जाम हो जाएगा। अच्छा जैन भाई, अब आप आ जाते हैं सोलर प्लेट पर। सोलर प्लेट पर बड़ी मारामारी चल रही है, कुछ सुना है कि रेट वेट भी बढ़ गए, लेकिन क्या बताएं आप, क्या बताएंगे इसके बारे में? भाई सोलर प्लेट के रेट बढ़े नहीं है, सोलर प्लेट का रेट और मजीद डाउन हुआ है, डाउन हो गया जी। आज से 15-16 दिन पहले इसका रेट था 7,550 रुपए, ठीक है, अभी आ गया है 8,450 रुपए। जो रमजानों से पहले जो सोलर की कीमत चल रही थी 15,000-14,000 रुपए रमजानों से पहले, तो अप डाउन होते होते ये जो है करते हुए 7,500 रुपए पे आ गया था। अभी तकरीबन 15-20 दिन हो गए तो एक जगह जो है इसका रेट रुक गया, 8,450 रुपए हमारे पास सोलर की कीमत है 180 वाट, मतलब 1,000 बढ़ गया ना। जी तो जी, तो इसके ऊपर आपके एसी डीसी पंखे दो आराम से चल सकते हैं। 280 वाट की प्लेट है, 180 वाट की प्लेट है, एमजी। जी बिल्कुल, सोलर प्लेट बच्चा निकाल रहा है अभी, निकाल रहा है। अच्छा जी, वो आपको दिखा देता है, ये निकाल रहा है बच्चा, ये निकाल दीजिए, ये कार्रवाई कर रहा था, मैं पता भी नहीं था कि जी वो मैंने हाँ मुझे पता था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा, यही होगा, क्योंकि हॉट आइटम है सोलर प्लेट, बहुत ज्यादा शदीद गर्मी पड़ रही है तो लाइट बहुत जारी, यानी लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है। जी, इसी वजह से अगर आप ये सोलर प्लेट इस्तेमाल करते हैं पूरा दिन बगैर बैटरी के आप पंखे चलाएं। जी बिल्कुल, पंखे चलेंगे दिन में भाई, इसके ऊपर एसी डीसी दो फैन चल जाएंगे, ये वाले हैं, ये वाले जो ऊपर जो लगे हैं। नहीं नहीं, ये आपका जो है ग्रिल फैन कह रहा था, जाली वाला जो एसी डीसी 5,500 रुपए वाला फैन मैंने आपको बताया, 2 चलेंगे जी, वो उसके ऊपर 2 चल जाएंगे और 2 लाइटें आपको, एसी डीसी 2 पंखे चलेंगे, 2 लाइटें 180 वाट है जी, 180 वाट है, एमजी कंपनी के नाम से है ये, एमजी 180 वाट। अच्छा ये वाले अगर पंखे चलाना चाहे कितने, ये एक चलेगा, इस पर 2 अगर चलाएंगे आप तो स्पीड स्लो हो जाएगी। अच्छा ये एक चलेगा? जी ये एक चलेगा। अच्छा, अच्छा, और 2-3 लाइटें जल जाएंगी इसके साथ, लेकिन अगर आप 2 पंखे चलाएंगे तो 8,450 भाई, ये कंपनी का बना हुआ है और माशाल्लाह से ये इसका क्या लगा हुआ है, ये सर्किट लगा रहा है? जी जी, इसका सर्किट बना हुआ था, इसमें डायोड वगैरह लगे हुए थे, यहीं से करंट बना के नीचे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये खराब वराब नहीं होती, आराम से चलती जी, ये जब तक साबुत है ये जब तक चलेगी। बहुत सारे दुकानदार हैं, इसकी गारंटियां भी चलाते हैं,
कि अगर सपोज ये 8,450 रुपये की आपसे 9,500-10,000 रुपये ले लेंगे, आपको लिख के दे देंगे कि 5 साल की गारंटी है, 10 साल की गारंटी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये प्लेट जब तक साबुत होती है, जब तक टूटी भी नहीं है, जब तक आपको करंट देगी। जी जी बिल्कुल, जी ये जब तक डैमेज नहीं है, जब तक आपके काम आएगी, ये डैमेज हो गई बस खत्म। और यही डैमेज की गारंटी दुकानदार नहीं देता, नहीं देता। ये डैमेज हो गई तो बस गारंटी इसकी खत्म। सेल की क्या कुछ है? कोई 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 गारंटी इसका नहीं है। जब तक साबुत होता है, ये जब तक डैमेज नहीं है, ये जब तक आपको काम करके देगा। रेट बताए एक बार फिर। ये 8,450 रुपये का है। सोलर का रेट रोज का होता है। आज अगर सपोज जी आज जो है 8,450 है, कल अगर रेट डाउन होगा तो हम रेट डाउन करेंगे। अच्छा, आप रेट डाउन करते जी। कल अगर रेट इसका बढ़ जाता है सपोज, तो हम इसका रेट बढ़ाते हैं। अब वो 5,500 वाला पंखा है जैन भाई, ये दिखा रहे हैं, ये वाला पंखा है जो 5,500 रुपए इसके रेट है। कह रहे 2 साल की इसकी वारंटी है, आराम से आप इसको चलाएं। सब लोग लेके जा रहे हैं, ये जितने भी लोग बाहर खड़े हुए ना, यहाँ पे पंखे की डिमांड बहुत है, और इस वक्त कूलर की भी डिमांड बहुत है। दरअसल पंखे की डिमांड इस वजह से ज्यादा हो गई है कि 220 का जो पंखा है, वो तकरीबन 120-150 वाट तक जो है वो बिजली जो है कंज्यूम करता है। ये है वो जालिम पंखा जी। बेचारे पंखे का कसूर नहीं है, बिजली वालों का कसूर जी। बिल्कुल, इतनी महंगाई हो गई है तो ये 5,500 रुपए का पंखा खूबसूरत बना हुआ यहाँ से ना जी। इसकी 2 साल की गारंटी है। 2 साल की गारंटी जी है। सही है भाई, बेहतरीन परवर के साथ आपको देंगे ये जी। लेकिन ये 50 वाट होता है। 50 वाट जी। इसमें भी मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा छोटी सी, कि दुकानदार इसको 30 वाट करके सेल करता है कि ये 30 वाट का, ये 30 वाट का नहीं होता, ये 50 वाट का होता है। इसको आप बगैर पर के चलाएंगे। अच्छा जी, इसको आप बगैर पर के चलाएंगे और मीटर लगा के कस्टमर को दिखा देते हैं जी, ये देखें 30 वाट ले रहे हैं। जब इसके अंदर पर लग जाएंगे तो वो 50 वाट पे आ जाए। बड़ी जबरदस्त बात आपने बताया, टेक्निकल बात है जी। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी पंखा बगैर पर के तो यूज नहीं करेंगे ना, पर लगा के यूज करेंगे। और दूसरी बात कि अगर मिसाल के तौर पे पर लगा दी और इसकी स्पीड डाउन कर दी तो भी ये 30 वाट पे आ जाए। अच्छा जी, स्पीड डाउन कर दी 30 वाट पे आ जाए जी। तो लिहाजा बेवकूफियों से बचे। हाँ, और नकलों से बचे जी। और मुनाफाखोर दुकानदार जो है उनसे आप बचे जरा, क्योंकि वजह ये है कि जो चीज बोलते हैं वो चीज होता नहीं है। ये भाईजान इलेक्ट्रिक पे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग तशरीफ लेकर आए, आपको जो बात है, जिस चीज में रिलीफ देना होगा, जिस चीज में अच्छा मशवरा, अच्छा गाइडनेस करेंगे, और आपको पंखे, ग्रिल वाले पंखे, चार्जर, इन्वर्टर, कंट्रोलर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत सारे आइटम है, बहुत सारे आइटम अवेलेबल ये है भाई। ये बैटरी को चार्ज करने वाले रखे हैं, ये कितने का जनरल बैटरी को चार्ज करने वाले? भाई बैटरी को चार्ज करने वाले चार्जर अपने पास इस वक्त 1300 रुपए से लेकर 6,500 रुपए तक मौजूद। अच्छा, अच्छे जी। इसके अलावा कंट्रोलर अपने पास होते हैं जो सोलर पे लगते हैं, इन्वर्टर होते हैं जो अब डीसी बैटरी से जो है 220 करंट बनाएंगे, कोई एक आध पंखा या छोटी मोटी घरेलू चीजें, जूसर मशीन है, वाईफाई आपने ऑन करना है तो कोई भी छोटी मोटी चीजों के लिए छोटे आपको जो है इन्वर्टर चाहिए होंगे तो वो भी अपने पास अवेलेबल। जबरदस्त, मैं यार इस्त्री देख रहा हूं, इस्त्री 12 वोल्ट की तो नहीं है? नहीं नहीं, इस्त्री 12 वोल्ट की नहीं, इस्त्री 12 वोल्ट की आई थी हमारे पास लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। कामयाब नहीं, लाहौर में तो चल रही है जी। बिल्कुल, बहुत सारे दुकानदार बेचते हैं लेकिन वो इस्त्री कामयाब यूं नहीं हो पाई कि वो बच्चों के कपड़ों की हद तक सही है, कि बच्चों के कपड़े वगैरह प्रेस कर लेते हैं तो उस हद तक सही है, मर्दाना कपड़े जो होते हैं तो वो सही प्रेस नहीं हो पाते हैं, सलवटें नहीं निकल पाती हैं। तो अभी आज सेल कर दें और कल लड़ाई झगड़े हो तो ऐसा काम होता है। चले जैन भाई, नंबर बता दें और टाइमिंग दुकान की बताएं, कस्टमर जब आए तो वो आसानी से अवेल करके जा सकते हैं। सर हमारी शॉप की लोकेशन तो बिल्कुल इजी है, मेन बंस रोड फूड स्ट्रीट से चंद कदम के फासले पर है भाषानी स्वीट्स। भाषानी स्वीट्स के सामने फ्रेस्को बेकरी और उसके बराबर में हमारी शॉप है भाईजान इलेक्ट्रिक के नाम से। और हमारी शॉप की टाइमिंग होती है 10:30 से रात 10:30 बजे तक की। और हमारा नंबर है 0300-221-8195। तो बराए मेहरबानी हमारी शॉप की टाइमिंग पर ही हमसे कॉल पर रब्ता करें। बाकी लोग बार जो है
रात को दो दो ढाई ढाई बजे भी हमें कॉल करते हैं तो हम उनका फ़ोन रिसीव नहीं कर पाते हैं, तो माजरा चाहते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि हमारी जो शॉप की टाइमिंग है आप हमारी शॉप की टाइमिंग पे हमसे कॉन्टेक्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया जैन भाई, आपने तफसील से और एक अच्छे तरीके से कस्टमर को समझा भी दिया कि जाली चीज़ें कैसे झूठ बोल के बेच रहे हैं, और आप लोग जो है जब कोई फ्लक्चुएशन आता है बहुत ज़्यादा माफिया का मसला होता है तो आप उन चीज़ों को क्या करते हैं कि रोक देते हैं, फिर जब रेट सही हो जाते हैं दोबारा बेचते हैं। बहुत अच्छा साइन है, 10:30 बजे से लेके सुबह रात 10:30 बजे तक होते हैं, इन्हीं औकात में कॉल भी कीजिएगा, अटेंड भी करेंगे आपको और इंशाल्लाह आपको एंटरटेन करेंगे। आइएगा इनकी दुकान में और जो तफसीलात दी इंशाल्लाह सब ट्रू, सब तफसीलात है, सच्ची है, आप जो जरूर इनसे इस्तफादा हासिल करें। गर्मियां चल रही हैं, सच पे काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे, लेबर माशाल्लाह लगी है, लोग देखें आ रहे हैं इसी वजह से, बहुत शुक्रिया जैन भाई। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें भाई, ये वक्त की जरूरत है, बहुत ज्यादा गर्मी चल रही है कराची में, जहाँ भी बैठे हैं आप सुबह 10:30 से रात 10:30 बजे रास्ता कर सकते हैं, यहाँ पे दुकान पे आ सकते हैं, मेरे अकब में देख सकते हैं जब मैं कफीर इस वक्त लगा हुआ, ये इसीलिए कोई जो है वाटर कूलर के हुसूल के लिए यहाँ पे आया हुआ है, कोई AC DC फैन के हुसूल के लिए यहाँ पे आया हुआ है, कोई AC DC की मोटर लेने के लिए यहाँ पे आया, कोई पर लेने के लिए आया हुआ है, कोई यहाँ पे सोलर प्लेट्स लेने के लिए आया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम इस वीडियो में दे दी गई है और इंशाल्लाह वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को आप लोगों तक जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी से मालूम के साथ, मुझे दीजिए ज़्यादा TV से, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।